अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अपने बालों को किस तरह रीग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह बढ़ा सकते हैं, अपने बालों को घना कर सकते हैं और साथ ही अपने बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों कि वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं और साथ ही बहुत से लोगों के साथ ये मसले आ रहे हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। जी फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी में मैं प्याज के बारे में बताऊंगी और अपनी रेमेडी में प्याज को यूज़ करूंगी और आपको बताऊंगी साथ ही कि किस तरह हम प्याज को यूज़ करके अपने बालों का हेयर केयर कर सकते हैं, अपने बालों में वॉल्यूम पैदा कर सकते हैं। प्याज को खाने के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, उसके साथ प्याज हमारे बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रखता है। प्याज में सल्फर मौजूद होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो हमारे बालों को बढ़ने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम अनियन लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। अनियन में हाई अमाउंट सल्फर होता है जो हमारे बालों के बहुत से मसाले को हल करता है, जैसे हेयर फॉल, हेयर थिंकिंग, हेयर ब्रिकेज को ठीक करता है। अनियन में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपके स्कैल्प के इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, जिससे आपके हेयर फॉल में कमी आती है। इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो अब इसे हम एक ब्लेंडर में डाल देंगे और अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड के अनियन का कुछ इस तरह से ना ठीक सा पेस्ट बन जाएगा। अब इस पेस्ट को अच्छे से स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर लें। प्लेन अनियन जूस को आप अपने हेयर और स्कल्प पे अच्छे तरीके से मसाज करें, लगाएं और 40 मिनट तक छोड़ दें ताकि वो ड्राई हो जाए और फिर उसके बाद वॉश कर लें। 40 मिनट तक छोड़ देंगे तो अनियन का जो बेनिफिट्स है वो आपके बालों को अच्छे तरीके से मिलेगा और बेहतर नतीज के लिए आप वीक में 2 दफ़ा इसे यूज़ कर सकती हैं। आपके बाल लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे और साथ ही बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे, डैंड्रफ, हेयर थिनिंग वगैरह। अब सेकेंड प्रोसेस के लिए आप एक बोल लेंगी और इसमें 1 लीटर तक गर्म पानी डालेंगी। अब इसमें 1 टेबल स्पून अनियन जूस डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। करने के बाद आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और जब यह ठंडा हो जाए तो आप इसे अपने बालों को रिंस कर लीजिए, यानी कि शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद लास्ट में आप इससे अपने बालों को धो लीजिए। और अगर आपसे इसकी स्मेल बर्दाश्त ना हो, पसंद ना आए स्मेल, तो आप 1 घंटे बाद दोबारा शैम्पू कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसे वीक में 2 बार ज़रूर ट्राई करें। ऐसा करने से आपके बाल फास्ट ग्रो होंगे और अगर आपके बाल पतले हैं तो वो भी घने हो जाएंगे और बालों के सारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।